Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NIGRF with All India Rank 103. आज हम बात करेंगे structural element of biological membrane में के membrane की, जैसे कि हम पता है lipid and protein are the major component of any biological membrane. और इन दोनों में भी lipid are major component that actually contribute for different variety of biological membrane like flexibility, resealing and movement जो होता है वो सब इसके लिए lipid responsible होते हैं. तो शुरुआत करते हैं lipid molecule की. lipid देखिए, lipid chapter में मैंने आपके साथ बहुत detail में discuss किया every type of lipid like phosphoglyceride, sphingolipid, galactolipid, sulfolipid and some other lipid that is ether group containing lipid. ये सारा कुछ मैं डिटेल में आपसे बात कर चुकी हूँ. यहाँ पे मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी. मेजर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है वो उसके बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए, phosphoglyceride या phospholipid हमें मालूम होता है कि इट कंटेन्स टू फैटी एसिड चेन मेनली. नाउ बट वॉट इफ इट कंटेन ओनली वन फैटी एसिड चेन एज drawn in this diagram and a polar head group. तो जो structure जो बनता है ना, ये इसको हम wedge shape structure कहते हैं. wedge shape structure बनता है, ठीक है. wedge shape structure की वजह से, अब क्योंकि lipid molecule अगर हम किसी भी आप अगर experiment करके भी देखेंगे, lipid molecule अगर water molecule में, अगर water में अगर हम डालें या किसी polar solvent में हम डाल दें तो आपस में एक दूसरे चिपकने की कोशिश करेंगे. आप घर पे भी एक आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं छोटा सा. अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड ऑयल और एनी अदर काइंड ऑफ ऑयल आप डाल के देखेगा, वो सारा ना ड्रॉप एक तरफ एक जगह इकट्ठा हो जाता है. उसका कारण यही होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल, वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि दे आर टोटली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. सो आपस में बॉन्ड बना के एक छोटे से और एक ड्रॉप जैसा, एक अपना ही एक छोटा सा आइलैंड टाइप का, लाइक ओशन में जैसे आइलैंड होते हैं ना, वैसा बना देते हैं. तो मेन कारण यही है कि देखिए, यहाँ अगर जब एक सिंगल फैटी एसिड चेन होगा तो इट फॉर्म्स अ वेज लाइक स्ट्रक्चर इंडिविजुअली, व्हाइल इट फॉर्म्स अ माइसिली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टुगेदर ऑल टुगेदर, ठीक है ना. इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये इस तरह का माइसिली स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में पाया जाता है एज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के तौर पे, ठीक है. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो दूसरी वाली जो एक तो फैटी एसिड चेन बहुत बड़ी होती है, बट दूसरे वाले में बहुत लंबा चौड़ा हाइड्रोकार्बन चेन ना होके बहुत थोड़ा सा, बहुत स्मॉल एक कह लीजिए एक एक्सटेंशन पाया जाता है. इट्स नॉट अ वेरी लार्ज और लॉन्ग फैटी एसिड चेन और हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है. अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि कंटेन डबल फैटी एसिड चेन, दोनों ही इक्वल लेंथ की हैं और अच्छी खासी लेंथ की हैं, तो इट गिव्स अ लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. एंड इन दैट केस अगर हम इस तरह के लिपिड मॉलिक्यूल एक पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो बायलेयर का निर्माण करती है, बायलेयर का, ठीक है ना. बायलेयर का निर्माण कर लेती है, पर बायलेयर के साथ समस्या क्या है, अब ये वाला जो पोर्शन है वो तो है हाइड्रोफोबिक, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो है वो है हाइड्रोफिलिक, फिलिक वाला पार्ट है ना, तो वो बाहर की तरफ करेगा. लेकिन ये अभी भी ये वाला एंड और ये वाला एंड तो ओपन ही है ना, यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल अभी भी कोशिश कर रहा है कि एंटर हो जाए इस स्ट्रक्चर में. तो इसलिए क्या होता है, बायलेयर इस तरह से फ्रीली फॉर्म ना होके ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती है, आपस में पैक हो जाती है इस तरह से, ठीक है ना. तो ये वेसिकल बना लेती है. सो दिस इज अबाउट द लिपिड ऑफ बायो मेम्ब्रेन. और दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन. प्रोटीन तीन तरह की प्रोटीन पाई जा सकती है. सबसे पहली है इंटीग्रल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ. इंटीग्रल प्रोटीन इज मेनली रिच इन हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स. क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रल प्रोटीन है. अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है ये भी देख लीजिए. इंटीग्रल प्रोटीन ना इस तरह से पाई जाती है. इंटीग्रल प्रोटीन बाहर या सतह पे नहीं रहती मेम्ब्रेन की, उसके बिल्कुल अंदर धसी हुई रहती है लिपिड मॉलिक्यूल के बीच बीच में, ठीक है. यहाँ पे पाई जा सकती है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है. दैट्स व्हाई दे आर रिच इन नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की, हाइड्रोफोबिक
अमाइनो एसिड रिच होंगे, ठीक है ये। नाउ दूसरी कैटेगरी आती है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन बिल्कुल सीधी साधी सी होती है बेचारी, पेरिफेरी पे ही अटैच रहती है, ये हेड जो लिपिड मॉलिक्यूल का हेड ग्रुप है उससे बस बाइंड रहती है, इधर बाय सम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा या किसी और इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन के थ्रू ये यहाँ पे अटैच रहती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन ही है तो, क्योंकि ये अंदर नहीं जा रही है, ठीक है ना, इन टेल से नहीं मैच कर रही है, जस्ट पोलर हेड से अटैच है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अटैच रहती है। तीसरी कैटेगरी आती है एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन। एम्फीट्रॉपिक प्रोटीन की खासियत ये है कि ये इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन जैसा तो स्ट्रक्चर बना ही रही होती है, बट इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल ये एक्सटेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्मिक या सेल के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीट्रॉपिक। तो एम्फीट्रॉपिक में ये वाला तो हो जाएगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच, जबकि ये वाला और ये वाला जो होगा ना वो पोलर अमाइनो एसिड रिच होगा, पोलर अमाइनो एसिड रिच पार्ट होगा, ठीक है। और अब हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स इस प्रोटीन को पकड़ के रखने के लिए मेम्ब्रेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बॉन्ड हुआ, एक तो हुआ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, बॉन्ड्स की हम चर्चा कर रहे हैं, बॉन्ड्स एक हुआ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, दूसरा हुआ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस तरह का हेलिक्स बनाता है उसमें आपस में भी एक आपस में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो एक हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तीसरा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और कुछ एक वांडरवाल इंटरेक्शंस भी रहते हैं, ठीक है, वांडरवाल इंटरेक्शंस। तो ये मेन बॉन्ड है जो काम करते हैं प्रोटीन को यहाँ पकड़ के रखने के लिए, और ये प्रोटीन्स हैं जो कि इस तरह के लिपिड बायलेयर में मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती हैं। तो हम आगे की बात करेंगे, आगे और डिटेल में जाएंगे मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन के चैप्टर में, कुछ और टॉपिक्स के साथ इंटरेस्टिंग से लेक्चर लेके आएंगे हम और हम डिस्कशन करेंगे। मेरा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कमेंट कीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लग रहा है मेरे लेक्चर से, जो भी समझ में आ रहा है, एंड मिलते हैं तब तक, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।